हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छी खबर आ रही है भाई लोग, आरआरबी एनटीपीसीसी EN1 2019 ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। डिटेल में इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। भैया 35,277 35,277 पोस्ट के लिए भीम का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए, डिग्री वालों के लिए 24,650 अप्रोक्सीमेट पोस्ट हैं। तो कि ये बहुत 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 बड़ा नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी बात भी है। आप सभी को अप्लाई करना है, 12th पास आउट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह होने वाला एग्जाम, क्या होने वाला एग्जाम का पैटर्न, हर एक चीज जो भी इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है बात करने वाले हैं। आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लगातार बना के देते रहने के लिए। सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में CEN1 2019। सबसे पहले हमको स्टार्ट डेट, एंड डेट और CBT1 की टेंटेटिव डेट दे दी गई है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, CBT1 तो कॉमन होने ही वाला है, वो स्क्रीनिंग यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। उसके बाद CBT2 होगा, अगर आप CBT1 क्वालिफाई कर लेते हैं, और CBT2 के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनने वाली है। यहाँ पे CBT2 के अलावा भी एक और CBT होने वाला है, एक और टेस्ट होने वाला है, वो स्किल टेस्ट होने वाला है, वो कुछ लिमिटेड पोस्ट के लिए। तो जैसे हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में बताया गया है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 1/3/2019 से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, लास्ट डेट 31/3/2019। और CBT1 की टेंटेटिव डेट June 2, 2019 यहाँ पे हमको बता दी गई है। भाई लोग, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पे कुल मिलाकर टोटल निकले हुए 35,277 पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट है। इसमें से 12th पास आउट वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th रखी गई है। 12th पास आउट के लिए 10,000 से ज्यादा पोस्ट है, जबकि ग्रेजुएट्स के लिए 24,000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे है। 12th पास आउट वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है उस बारे में बात करें तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th कौन कौन सी पोस्ट के लिए रखा गया है, तो जिस भी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th रखा गया है, वहां पे एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल, एस ऑन 1/7/2019 तक आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 12th मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ पे 12th है उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो 1/7/2019 है वो एज एलिजिबिलिटी डेट है, यानी कि इस दिन तक आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी डेट यहाँ पे फॉर्म भरने की आखिरी डेट यानी कि 31/3/2019 रखी गई, यानी कि 31/3/2019 तक आप पास आउट हो जाने चाहिए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12th पास आउट के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। यह जितनी भी पोस्ट है ये 7th CPC में सेकंड लेवल पर आती है, और एक पोस्ट जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के थर्ड लेवल पर आती है। इनिशियल पे 19,900 से स्टार्ट होता है जो सेकंड लेवल 7th CPC में सेकंड लेवल पे आती है उन पोस्ट के लिए, और जो थर्ड लेवल में आती है 7th CPC में उस पोस्ट के लिए 21,700 रुपये इनिशियल पे स्टार्टिंग पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, C2 है, A3 है, B2 है, और 12th मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ 12th रखा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,628 पोस्ट हैं कुल मिलाकर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। इसके बाद कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया उस बारे में बात करते हैं। तो जिन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वहाँ पे एज लिमिट 18 से 33, 18 से 33 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 1/7/2019, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम है ग्रेजुएट, तो ये जो ग्रेजुएशन है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 31/3/2019 इसकी एलिजिबिलिटी डेट रखी गई है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। 7th CPC में लेवल 4, 5 और 6 में ये पोस्ट है। इनिशियल पे लेवल 4 में 25,500 है, लेवल 5 में 29,200, 29,200, और लेवल 6 में 35,400, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर की जो इनिशियल पे रहती है
वही पे है स्टेशन मास्टर की और कमर्शियल अप्रेंटिस की। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए रखा गया है। इसके अलावा A2 स्टेशन मास्टर के लिए भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। कुल मिलाकर वैकेंसी है 24,614 है, जिसमें से 6,865 6,865 वैकेंसी खाली स्टेशन मास्टर की है, 5,748 गुड्स गार्ड की है और 5,638 सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और कुछ पोस्ट के लिए 3 स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। CBT 1 कॉमन है, 12th भी, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 12th पास आउट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह भी CBT 1 देंगे। जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करें, गुड्स गार्ड्स के लिए अप्लाई करें, तो भी आपको CBT 1 देना पड़ेगा। CBT 1 कॉमन है, CBT 1 के थ्रू आपका सेलेक्शन होगा CBT 2 में। CBT 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा CBT 2 में पहुंचने के लिए, और अगर आप CBT 2 में पहुंच जाएंगे, CBT 2 क्वालिफाई कर लेंगे, तो कुछ पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, और कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट CBT 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे। तो ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स कार, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस, ये जो पोस्ट हैं इसके लिए बस CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसको देना पड़ेगा CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो टाइपिस्ट की पोस्ट है जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, तो यह जब जो पोस्ट है इनको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा, तो यह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। पहला मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, जैसे कि आप जानते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड्स गार्ड की पोस्ट है, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस विजन 6x9 विदाउट ग्लासेस यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस यहाँ पे दिया गया, और आपको कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन टेस्ट पास करना जरूरी है। तो ये A2 पोस्ट का क्राइटेरिया इसी हिसाब से, इसी प्रकार से A3, B2, C2 पोस्ट का भी क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद हमें एज लिमिट के बारे में डिटेल में बताया गया है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जिसमें 12th पास आउट, 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, उन पोस्ट में एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल। तो अनरिजर्व 2/7/1989 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो। और जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया, एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है, इसमें अनरिजर्व्ड 2/7/1986 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें फॉर्म भरने की फीस के बारे में बताया गया। फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये रखी गई है। CBT 1 देना कंपलसरी है। CBT 1 अगर आप दे देंगे तो आपका 500 में से 400 रुपये वापस हो जाएगा अगर आप जनरल वाले हैं तो। और SC ST वालों के लिए फॉर्म भरने की फीस 250 रुपये रखी गई है, और अगर आप CBT 1 दे देंगे तो आपका 250 रुपये पूरा वापस हो जाएगा। इसके बाद हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया गया है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट आपको मिलेगा, जहां पे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप CBT 2 में यहाँ पे जाने वाले हैं, और CBT 1 का पूरा सिलेबस हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इसके बाद हमें CBT 2 के बारे में बताया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CBT 2 अलग अलग होने वाला है, और ये 7th CPC के लेवल के हिसाब से होने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि कुछ पोस्ट 7th CPC में लेवल 2 में है, कुछ लेवल 3 में है, कुछ 4 में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो लेवल 2 की पोस्ट है उसके लिए अलग CBT 2 होगा, जो लेवल 3 की पोस्ट है उसके लिए अलग CBT 2 होगा, जो लेवल 4 की पोस्ट है उसके लिए अलग CBT 2 होगा। तो इस तरीके से CBT 2 होने वाला है। जो 7th CPC के लेवल हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट है वो 6th लेवल में, जो 6th लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए अलग से CBT 2 होगा। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा मतलब लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग सेपरेट CBT 2 देना पड़ेगा, तो ये भी हमें यहाँ पे बता दिया गया है।
इसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, 120 नंबर का ये पेपर होने वाला है और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है, यानी कि 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है, जनरल अवेयरनेस के होने वाले 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होने वाले हैं 35 क्वेश्चन। तो इस तरीके से सीबीटी 2 होने वाला है, सिलेबस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद CABT होगा, CABT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बस होने वाला है, और टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है, जो जिस चीज जो टाइपिस्ट की पोस्ट है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सीबीटी 2 के बाद टाइपिस्ट की जो जो पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए टाइपिस्ट स्किल टेस्ट भी होगा, और कुछ पोस्ट के लिए सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और जो सीबीटी 2 के बाद जो आप टेस्ट दिए हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीबीटी 2 और सीबीटी 2 के बाद जो आप एग्जाम अगर आप स्किल टेस्ट के लिए वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, स्किल टेस्ट देते हैं, तो उस हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे फाइनल समरी भी हमें दे दी गई है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीबीटी 1 है वो कॉमन है हर पोस्ट के लिए, और जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो 7th सीपीसी में लेवल 2 में अलग है, 3 में अलग है, 4 में अलग है, 5 में अलग है, 6 में अलग है। और आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए हो रहा है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो अपना RRB आप सही से चुनिएगा। अगर आप एक बार अपना RRB चुन देंगे उसके बाद चेंज करना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट का भी ऑप्शन आपको फॉर्म में मिलेगा, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट का ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी पोस्ट के लिए प्रीफरेंस नहीं डालेंगे तो आपको उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा सोचा जाएगा कि आप वहाँ पे काम करने के लिए उस पोस्ट में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसा भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमें पोस्ट पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और वैकेंसी टेबल हमें बताई गई है कहाँ कहाँ पे किस किस RRB जोन में कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो यह जो 35,000 पोस्ट है किस तरह बटी हुई है, तो यह हमें बताया गया है। तो मैं अगला वीडियो आपका ये वैकेंसी एनालिसिस और ये जोन वाइज वैकेंसी एनालिसिस मैं आपको कर दूंगा, अगला वीडियो यही आने वाला है जहाँ पे मैं जोन वाइज बता दूंगा कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की किस जोन में कितनी पोस्ट है और दूसरे जोन में कितनी है, और आसानी से हम उसको कंपेयर कर लेंगे, ऐसा कुछ मैं आपके लिए बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। बने रहिएगा चैनल पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इसे अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB NTPC का आ चुका है, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।